नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रैमर्स रूल। उससे पहले हमने डिस्कस किया एडजॉइंट और उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए और एडजॉइंट निकाला। उसका फॉर्मूला क्या था? ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, ये हमने निकाला था, एडजॉइंट निकाला था। उसके बाद अब हम निकालेंगे करेंगे क्रैमर्स रूल। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्रैमर्स रूल का, सोल्व बाय क्रैमर्स रूल द इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन है, सोल्व द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रैमर्स रूल का। हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे सोल्व बाय क्रैमर्स रूल द इक्वेशन, सोल्व बाय क्रैमर्स रूल इक्वेशन हमें गिवन है, इसको हमने क्रैमर्स रूल से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इसमें हमें गिवन है इक्वेशन 7x minus 12y plus 5z plus 18 is equal to 0. नेक्स्ट 3x plus 8y minus 2z minus 40 is equal to 0. Then next है हमारी 10x minus 7y plus 4z minus 11 that is equal to 0। इस ये हमें equation given है, इसको हमने किससे करना है? Cramer's rule से find out करना है। So हमने इसको ले लिया let d, इसको हमने ले लिया let d, d हमारा किसके equal है? Let D की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 7 3 10। हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, 7 3 10 जो टर्म्स गिवन है उसके साथ वो फाइंड आउट करेंगे। 7 3 10 देन 5 minus 2 4। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये माइनस 18 इधर आ जाएगी, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 7x minus 12y plus 5z दैट इज इक्वल टू माइनस 18। Then next 3x plus 8y minus 2z that is equal to 40. Next 10x minus 7y plus 4z that is equal to 11. ये हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, ये गिवन इक्वेशन थी, जीरो के इक्वल हमें गिवन थी, तो इसको हमने क्या किया राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दी जो टर्म्स हमें गिवन थी। तो हमारी ये बन गई 3x3 मैट्रिक्स That is equal to, इसको हमने ले लिया किसके इक्वल है, ये डिटर्मिनेंट ए के इक्वल है। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे। तो अब हम इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 7, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट किया तो हमारा किसके इक्वल आया 32 minus 14 plus 12। तो हम मोस्टली इसमें क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं सेकंड टर्म में, बट हमारे पास नेगेटिव ऑलरेडी गिवन है तो हमने इसमें क्या ले लिया प्लस 12। सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब छोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 plus 20 plus 5। नेक्स्ट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे कितना आएगा -21 minus 18 दैट इज इक्वल टू 7। 18 plus 12 into 32 plus 5 into -101। सो इसको जब हम सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट पूरा जब सोल्व हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करके हमारा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, मींस डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी दैट इज इक्वल टू, ये सारा प्लस माइनस करके हमारे डी की वैल्यू आ गई 5। ऐसे अब हम नेक्स्ट निकालेंगे d1। तो ये हमने निकाल लिया d, सिंपली जो हमें मैट्रिक्स गिवन थी 3x3 से ये हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब क्रैमर्स रूल का मेथड क्या है, अब हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम d1 लेंगे, d1 ये वाली जो वैल्यू जिसकी इक्वल रखी थी ये हमारा होगा d1, मींस हम क्या लेंगे यहाँ ये वाली टर्म्स राइट करेंगे -18, 40 और 11। नेक्स्ट बाकी इसकी ये हमने इसकी जगह क्या रख दिया -18, 40 और 11, बाकी टर्म्स एज इट इज -12, 8 minus 7 देन 5 minus 2 4। तो इसको भी हम सेम ऐसे सोल्व करेंगे -18 आफ्टर दैट
80 माइनस 88, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे सारा प्लस और ऐड करके तो हमारा किसके इक्वल आएगा, ये -18 × 18 + 12 × 182 + 5 × -368। सो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारा डिटर्मिनेंट d1 किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 20। सो d1 की d की वैल्यू आई हमारे पास 5, d1 हमारा क्या आया 20। सो ये क्या है हमारा क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है। सो नेक्स्ट अब हम d2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने 3 निकालने होते हैं, डिटर्मिनेंट d तो हम जैसे सिंपल फाइंड आउट करते हैं वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हमने d1 d2 d3 की भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो d हमारे पास आया 5, d1 की वैल्यू आई 20, d इज इक्वल टू 5 एंड d1 हियर इज 20। सो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम x निकालेंगे, x का फॉर्मूला क्या होता है, d1 डिवाइड बाय d। सो किसके इक्वल आएगा, x कैसे निकालते हैं, d1 डिवाइड बाय d। सो d1 की वैल्यू कितनी है 20 और d हमारा कितना है 5, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे हम y और z भी निकालेंगे, तो y किसके इक्वल होगा d2 बाय d और y z किसके इक्वल होगा d3 बाय d। मींस जो हमारी ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसी के साथ हम सभी टर्म्स को डिवाइड करेंगे, पहले d1 को किया फिर d2 को करेंगे देन d3 को करेंगे। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे d2, इसमें हमने क्या लिया था, d1 को फर्स्ट पे राइट किया था जो 0 के राइट हैंड साइड के इक्वल था। अब हम d2 कैसे निकालेंगे, इसको हम सेकंड टर्म पे लेंगे, d2 को हम निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 7 × 3 = 10। अब ये हमने पहले क्या लिया था, फर्स्ट वाले कॉलम में लिया था, अब हम सेकंड कॉलम में लेंगे इसको −18 = 40 = 11 और थर्ड में जो है वैल्यूज वो ही पुट करेंगे 5 − 2 = 4। सो इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो तो किसके इक्वल आया 160 + 22 + 18 × फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ा तो किसके इक्वल आया 12 + 20 + 5 × फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा 33 − 400। तो ये जब सोल्व करेंगे हमारा किसके इक्वल आएगा 182 + 18 × 32 + 5 − 367। सो इसको जब हम पूरा सोल्व करेंगे हमारा डिटर्मिनेंट d2 किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 15। सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट d2 इज 15। सो अब हम इससे y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू d2 बाय d। सो d2 हमारा कितना है 15 और d कितना है 5। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 और x की वैल्यू क्या आई थी 4। ऐसे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, d3 फाइंड आउट कर लेंगे। d3 में कैसे करेंगे, अब हम ये पहले हमने वैल्यूज जो राइट हैंड साइड में थी वो फर्स्ट कॉलम में लिखी, d2 निकालने के लिए हमने सेकंड कॉलम में लिखी, अब d3 फाइंड आउट करना है तो वो हम किस में लिखेंगे, थर्ड कॉलम में राइट करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d3, देन हाउ वी विल फाइंड, सो d3 इज इक्वल टू नेक्स्ट हमारी ये वैल्यू सेम रहेगी 7 × 3 = 10, आफ्टर दैट −12 = 8 − 7। देन अब d3 की बात करें तो थर्ड कॉलम में ये वैल्यूज आ जाएंगी राइट हैंड साइड की −18, 40 और 11। तो इसका डिटर्मिनेंट हम सोल्व करेंगे किसके इक्वल आएगा, 7 × 88 + 280 + 12 × फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब हमने छोड़ा तो किसके इक्वल आया 33 − 400 − 18 × फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे किसके इक्वल आएगा −21 − 80। तो ये किसके इक्वल आया 7 × इसको ऐड करेंगे तो 368 + 12 × −367 − 18 × −101। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा आंसर, दैट इज इक्वल
माइनस टेन, ये वैल्यू आएगी हमारी माइनस टेन के इक्वल। तो इससे हम क्या निकालेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे। सो जेड की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, जेड इज इक्वल टू, सो द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू डी थ्री, कितना आया हमारे पास माइनस टेन, डी थ्री इज इक्वल टू माइनस टेन। सो बाय क्रैमर्स रूल ये सब हम किसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं, बाय क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग z किसके इक्वल होगा, d3 बाय d। सो d3 की वैल्यू कितनी है माइनस टेन और d कितना है फाइव, सो z की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू माइनस टू। तो ये बाय क्रैमर्स रूल हमने x, y और z की वैल्यू निकाल ली। ये था हमारा क्रैमर्स रूल। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट और सम्स करते हैं, यही सेम मेथड से, क्रैमर्स रूल से। ये हमारा था फर्स्ट सम। हमने क्या किया, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी वो उसको हमने मान लिया d के इक्वल, और x y z के कोफिशिएंट को किसके इक्वल ले लिया, कैपिटल x के, और उसको किसके इक्वल इक्वेट कर दिया, उसको इक्वेट कर दिया, जो हमारी जीरो के इक्वल थी वैल्यूज उसको हम राइट साइड पे ले गए और हमने 3x3 की मैट्रिक्स बना दी। उसके बाद हमने क्या किया, उसको डिटर्मिनेंट d ले लिया, डिटर्मिनेंट d की वैल्यूज फाइंड आउट की, डिटर्मिनेंट डी की वैल्यूज फाइंड आउट करके डी वन कैसे निकाला, जो हमारी राइट हैंड साइड में टर्म्स थी उसको हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट टाइम फर्स्ट उसमें लिखा, उसके बाद हमने सेकंड कॉलम में लिखा, आफ्टर दैट थर्ड कॉलम में लिखा, ऐसे हमने डी वन डी टू डी थ्री निकाल ली। उसके बाद हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, एक्स इज इक्वल टू डी वन बाई डी, वाई इज इक्वल टू डी टू बाई डी, एंड जेड इज इक्वल टू डी थ्री बाई डी। तो डिटर्मिनेंट हमने ऑलरेडी निकाला ही था स्टार्टिंग में ही, तो हम सभी की वैल्यूज पुट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सेम इसी का ही है क्रैमर्स रूल का, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये हमें इक्वेशंस गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या लेके जो है सेम वो ही, ये हमें इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस टू माइनस टू, देन टू एक्स, नेक्स्ट हमें गिवन है टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस वाई माइनस जेड दैट इज इक्वल टू माइनस सेवन, देन फोर एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड, फोर एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड दैट इज इक्वल टू फोर। तो हमारा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डी, हमारा ये किसके इक्वल होगा, ये हमें अब हमारा वो क्या था, फर्स्ट सम में हमने क्या किया था कि वो किसके इक्वल थी, उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल थी, जीरो के इक्वल थी, तो हमने राइट हैंड साइड में वैल्यू अपने आप ले ली थी थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स बनाकर। अब इसमें थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स ऑलरेडी है और हमारे पास राइट हैंड साइड में वैल्यूज भी गिवन है, तो ये डिटर्मिनेंट डी किसके इक्वल होगा, वन टू फोर, देन वन माइनस वन वन, आफ्टर दैट माइनस वन माइनस वन टू। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारा डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को निग्लेक्ट करेंगे प्लस वन माइनस वन इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो किसके इक्वल होगा, फोर प्लस फोर माइनस वन इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज इक्वल टू टू प्लस फोर। तो इसको जब हमने सोल्व किया माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, टू माइनस वन दैट इज इक्वल टू एट, माइनस वन माइनस एट माइनस सिक्स, तो हमारा ये सोल्व करने पे हमारा क्या वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन। सो हमारा डी किसके इक्वल आया, वैल्यू ऑफ डी इज माइनस फिफ्टीन। ऐसे अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डी वन डी टू और डी थ्री की, और उससे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो डी वन हमारा क्या होगा, डी वन इज इक्वल टू, सो डी वन की बात करें तो जो राइट हैंड साइड में टर्म थी वो उसको कॉलम में राइट करेंगे, मीन्स माइनस टू माइनस सेवन फोर, देन वन माइनस वन वन, वन माइनस वन वन, देन माइनस वन माइनस वन टू। तो इसको जब हमने सोल्व किया हमारा किसके इक्वल आया, माइनस टू प्लस वन टू माइनस वन, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ा तो किसके इक्वल आया, माइनस फोर्टीन प्लस फोर इंटू माइनस वन, सो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को निग्लेक्ट किया तो किसके इक्वल आया, माइनस सेवन प्लस फोर।
डी वन किसके इक्वल आएगा, डी वन इज इक्वल टू 15। तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की डी वन की, डी कितना आया था 15 और डी वन की वैल्यू किसकी इक्वल आई हमारी 15 के। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी टू देन डी थ्री। सो अब हम डी टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी टू को अब हम कैसे लिखेंगे, सो द वैल्यू ऑफ डी टू इज रखने हैं। x किसके इक्वल है d1 by d, y किसके इक्वल है d2 by d।
सभी फॉर्मूलाज आपने लर्न रखनी है, जितने भी हमने किए हैं, हमने एडजॉइंट निकाला, कोफैक्टर्स निकाले, इन सभी के फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकाला हमने, हमने क्या किया उसमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हमारी जो मैट्रिक्स गिवन थी उसका हमने क्या फाइंड आउट किया, डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, तो उसका वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। ये हम फाइंड आउट करते हैं, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए में हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होती है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, देन ए टू वन टू, टू टू थ्री, आफ्टर दैट ए थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री। तो ये सभी के हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड करते हैं गिवन मैट्रिक्स जो हमारे पास होती है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, और हम उसको एडजॉइंट ए से वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास टर्म आ जाती है ए इनवर्स। तो ये थे हमारे क्रैमर्स रूल, उससे पहले हमने किया मैट्रिसेस, अब ये हमने किया आज क्रैमर्स रूल। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस